राजधानी में 7 दिन पूर्व चलती बस में एक मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने पर देश भर में जन आक्रोश फैला हुआ है। खासतौर से देश के युवाओं में इस घटना के प्रति काफी गुस्सा है। युवाओं ने पिछले बुधवार से ही पीड़ित छात्रा के समर्थन में लामबंद होना शुरू किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस संबंध में राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मोमबत्ती व मशाल जुलूस निकाले गए। सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न होते देख युवाओं का गुस्सा इतना बढ़ा कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करते हुए युवा प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा घेरे को भेद कर अंदर तक जा पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में यहां पहुंचे निहत्थे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले दागे और उन पर कई बार तेज पानी की धार छोड़ी गई। इस दौरान उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके। यही दौर शनिवार को देर रात चलता रहा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इन झड़पों में काफी लोगों को भी चोटें आईं। शनिवार देर रात तक पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट पर जाने को मजबूर कर दिया। रविवार को सुबह सवेरे ही प्रदर्शनकारियों का हुजूम इंडिया गेट पर उमड़ने लगा और नारेबाजी का दौर शुरू हुआ। इंडिया गेट पर भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कई बार पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे। इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते हुए पुलिस ने रविवार रात इन सबको जंतर मंतर पर धकेल दिया।